तो वेलकम है आप सभी का अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का लिया गया एग्जाम का पेपर एनुअल इंटरनेशनल सॉरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का जो बारहवीं कक्षा का लिया गया इसमें आर्ट साइंस और कॉमर्स जिसने भी वोकेशनल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर या बोले तो कंप्यूटर नॉलेज के रूप में आप सब्जेक्ट रखें तो उनका पेपर किस टाइप का आया था आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टर्म वन ठीक टर्म वन का है टोटल पंद्रह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एम टाइप्स के आइए देखते हैं इसमें तो सबसे पहले आपको एक निर्देश दिया जाता है डेढ़ घंटे समय दिए जाते हैं और टोटल पंद्रह नंबर का होता है डेढ़ घंटे समय ओ में आपको आंसर लिखना होता है सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अब आइए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे ठीक तो यहाँ पे तो ओ एम आर आप लोग सबको जान गए हैं कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है वो चीज़ बोला गया है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यानी कि गलत करने पर आपके अंक नहीं कट जाते हैं ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करें यहाँ पे आप लिखा गया है कि यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन द यूज ऑफ पेंसिल इज़ नॉट अलाउड यानी कि आप पेंसिल का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं ठीक ये हो गया इंस्ट्रक्शन अब देखते हैं हम प्रश्न और उसके उत्तर भी तो पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है द डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर तो उसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ठीक दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज आउटपुट यानी कि आउटपुट आउटपुट क्या होता है तो आउटपुट वह होता है जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले यानी कि जो कंप्यूटर आपसे लेता है वह हो गया आउटपुट ऑप्शन टू नंबर इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न तो हमारा तीसरा प्रश्न है प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड तो प्रोसेस डेटा को कहा जाता है दोस्तों आउटपुट क्या कहा जाता है आउटपुट कहा जाता है और यहाँ पे प्रोसेसर भी कहीं कहीं पे आपको आंसर में मिल जाता है लेकिन इस प्रश्न का कन्फ्यूजन है क्योंकि वाकई में प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ है तो इसे कहीं पे आंसर मैंने दो जगह चेक किया एक जगह प्रोसेसर लिखा हुआ था एक जगह आउटपुट ठीक तो इसका मैं आप पे छोड़ता हूँ क्या किए हैं मालूम नहीं इसका राइट आंसर मुझे भी मालूम नहीं है दो प्रश्न हैं ऐसे जिसका आंसर मुझे मालूम नहीं है चौथा प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं द डाटा डेट गोज इनसाइड द कंप्यूटर इज कॉल्ड तो कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को इनपुट कहा जाता है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन टू ऑप्शन फाइव नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो कि क्लिक का आविष्कार हुआ था वह हुआ था सत्रह उन्नीस में और सामने आया उन्नीस में एक साल बाद तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नीस ठीक नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स इनमें से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है इंग्लिश में है इनमें से किसे को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं अपने साथ तो मिनी कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा ठीक क्योंकि मैनप्रम कंप्यूटर मालूम है पाँच से छः फिट का होता है आप इसे कहाँ उठा के ले बोलिएगा जी डेस्कटॉप डेस्कटॉप तो मालूम है कंप्यूटर का जो ऊपर वाला भाग होता है तो इसको भी नहीं ले जाया जा सकता मिनी कंप्यूटर इजीली आप ले जा सकते हैं जो कि लैपटॉप की तरह होता है ऑप्शन वन इसका आंसर हो जाएगा सातवां देखते हैं कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी काम नहीं है विच इज़ नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का बुनियादी काम कौन सा नहीं है कॉपी टैक्स कॉपी टैक्स इसका बुनियादी काम नहीं है ऑप्शन ए आइट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है वॉट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है ठीक ऑप्शन फोर नेक्स्ट देखते हैं हम नाइन नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया तो चार्ल्स बेबिज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था अब हम देखते हैं अपना दसवा प्रश्न इनमें से कौन नेटवर्क से संबंधित नहीं है वेज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ नेटवर्क तो पहला है आपका बस दूसरा है आपका रिंग तीसरा है अस्टार अस्टर मतलब तारा और चौथा है आपका मून मून मतलब चांद तो इसका राइट आंसर मुझे मालूम नहीं है ठीक इसे देख लीजिएगा ग्यारह नंबर है संचार का उद्देश्य क्या है वॉट इज़ द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है ऑल ऑफ दिज इनमें से सभी ठीक तीनों का इसका पर्पज़ है बारह नंबर देखिए प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधेयक का प्रयोग किया जाता है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर विच मेथड इज कॉल्ड तो सेंडर जो अभी आपको भेजेगा तो वह लिख के भेजेगा तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन ठीक अब देखते हैं हम तेरह नंबर प्रश्न उद्यमशीलता का उद्देश्य क्या है वॉट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रनरशिप तो एंटरप्रनरशिप मतलब कि बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है लाभ कमाना पहला उद्देश्य हो गया दूसरा उद्देश्य होता है ग्राहकों की जरूरत को अभी नव रूप से हल करना तो इसका आंसर हो जाएगा तीन एक और दो दोनों ठीक बोथ हो जाएगा वन एंड टू नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाउ कैन वी कंसाइडर वन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट है हम अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन देखिए जैविक खेती जैविक फसलें उगाकर प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग उपयोग कर अपशिष्ट जल का प्रबंधन कर अधिक एयर कंडीशनर का उपयोग कर तो देखिए यहाँ पे जो दो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है कन्फ्यूजन है तो इसका राइट आंसर आप स्वयं निकाल लीजिएगा क्योंकि जैविक खेती भी पर्यावरण की सुरक्षा में है और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग भी पर्यावरण की सुरक्षा यानी कि हित में ही है तो दोनों में से कौन सा टिक लगाएंगे वो आप पे जाता है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है वेच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिनेबल रिसोर्स तो रिनेबल रिसोर्स यानी कि जिसे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जल यानी कि वाटर ठीक तो पंद्रह क्वेश्चन थे और अगर पेपर को देखा जाए कि इसका पेपर का कुल मिलाकर किस टाइप का क्वेश्चन था तो पेपर हार्ड था बोले तो बारह क्लास में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ठीक थोड़ा सा ईजी होता तो अच्छा होता पेपर वाकई हार्ड था लेकिन हाँ बच्चे इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हों डेली के दो महीना अगर आप एक घंटा पढ़े हों इस चैप्टर पे इस सब्जेक्ट पे तो आप इजीली इसे पास कर सकते हैं ठीक तो बाकी आपको कैसा लगा पेपर आप हमें बताइएगा और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं बहुत सारे हैं चैनल पे दिए जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपके मन में कोई भी अभी डाउट हो संकोच हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा हम आपके हर डाउट का आंसर देंगे डाउट में कमेंट करते वक्त मुझे सर नहीं बोलिएगा दोस्त बोलिएगा ठीक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ठीक एंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक अच्छे से एग्जाम दीजिए और हाँ अगर किसी को पेपर डाउनलोड करना है ये पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है पीडीएफ का वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं